Unacademy. Let's crack it. Hello students, I hope all of you are fit and fine. तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ, आज जिस टॉपिक पे बात होने वाली है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आज मैं कुछ पढ़ाई की बात नहीं कर रही हूँ, कुछ मोटिवेटिंग बात नहीं कर रही हूँ, बट आज एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर बात करी जा रही है। तो ये बेसिकली ना उन बच्चों को टारगेट कर रही है ये पर्टिकुलर वीडियो, ये पर्टिकुलर सेशन, जो बच्चों ने जेईई मेंस दिया है बट जेईई मेंस में इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई, काफ़ी कम है, या फिर अगर मेंस हो भी गया है लेकिन उनको एडवांस में ऐसे लग रहा है कि शायद हमारा एडवांस क्वालिफाई नहीं होगा। तो हमारा आईआईटी और एनआईटी का सपना थोड़ा दूर जाते हुए दिख रहा है ना, क्योंकि देखो मेनली जो आईआईटी एनआईटी, द रीजन टू चूज दीज कॉलेज इज फर्स्ट इज द प्लेसमेंट, ठीक है, और कॉलेज कैंपस और भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है ना। तो यहाँ पे जो आज हम लोग जिस कॉलेज की बात करने वाले हैं वो बिल्कुल एकदम आईआईटीज को टक्कर देने वाला कॉलेज है, राइट। तो आई थिंक आप सब लोगों ने गेस कर ही लिया होगा। तो कॉलेज का नाम है IIIT हैदराबाद। एंड मैंने ये खुद से इस कॉलेज में मैं गई हूँ, कैंपस मैंने इसका देखा है, हाँ, लेकिन पढ़ाई करने का मौका मुझे नहीं मिला है, बट हाँ मैंने इसको पर्सनली ऑब्जर्व करा है, इस कॉलेज को मैं कैंपस में भी घूमी हूँ। तो IIIT हैदराबाद के ऊपर हम बात करने वाले हैं। सो लाइक आई टोल्ड यू, दिस IIIT हैदराबाद इज बेसिकली इक्विवेलेंट, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ बिल्कुल IIT ही जैसा है, नहीं, पर ये टक्कर बिल्कुल देने वाला है IITs को, ठीक है। वाई? फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू टू इट्स कैंपस, छोटा कैंपस है बट इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। एंड दूसरा प्लेसमेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू एवरी स्टूडेंट्स, क्योंकि 4 साल बीटेक करने के बाद दे नीड कि अच्छे कंपनीज में प्लेसमेंट हो जाए। सो इसके जो प्लेसमेंट्स हैं आप देखोगे अगर आप सर्च कर रहे हो तो वेरी अमेजिंग। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अब इस कॉलेज में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है, क्या हमें जेईई मेंस देना है या कोई और एग्जाम है, अगर कोई और एग्जाम है उसकी तैयारी कैसे करें, उसकी पढ़ाई कैसे करें, ठीक है। तो उन चीज़ों पे भी आज मैं इस पूरे सेशन में डिस्कशन करूंगी, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट। IIIT हैदराबाद, सबसे पहले इसमें एडमिशन कैसे लिया जाएगा, एज यू कैन सी हियर। तो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसके लिए हमें एक पर्टिकुलर एग्जाम देना है, दैट इज UGEEE। अब UGEEE का जो एग्जाम था दैट वाज अबाउट टू हेल्ड इन द जून, राइट, लेकिन ड्यू टू द कोविड सिचुएशन एंड एवरीथिंग, तो अब जो एग्जाम है उसकी अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन जो फिलिंग, जो एनरोलमेंट्स की डेट है कि आप कब तक ये जो है फिल कर सकते हो एडमिशन के लिए अबाउट दिस UGEEE, सो उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड हो गई है 7th of June। तो अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप 7th June तक UGEEE के एग्ज़ाम का एडमिशन फॉर्म आप फिल कर सकते हो, राइट। एंड अभी एग्जाम कब होना है, डेट ऑफ एग्जाम अभी डिसाइडेड नहीं है। लाइक आई टोल्ड यू, पहले 2nd June को पेपर होने वाला था लेकिन अभी तक कोई डेट डिसाइडेड नहीं है, राइट। दूसरी चीज़ कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्स की क्या हाइलाइट्स हैं, कैसा एग्जाम होगा, ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा, और क्या है पूरा एडमिशन प्रोसीजर। तो सबसे पहले जो मैं नाम बता रही थी, IIIT हैदराबाद UGEEE 2021। सो UGEEE मीन्स अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सो ये बेसिकली अंडर ग्रेजुएट बच्चों के लिए, दैट इज विच आर डूइंग B.Tech और या फिर कोई डुअल डिग्री प्रोग्राम, राइट, 5 ईयर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनके लिए। सो दिस एग्जाम इज कम्प्लीटली ऑनलाइन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम है। एंड यस, इसमें एक थोड़ा सा ट्रिक है, मैं आपको बोलूँगी, थोड़ा सा झोल है कि यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो सिर्फ एडमिशन बेस्ड एग्जाम क्वालिफाई करके आप नहीं लोगे, आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। तो यस, एग्जाम प्लस इंटरव्यू। सो अगर आपको एडमिशन लेना है IIIT हैदराबाद में, सो यू हैव टू गिव UGEEE अलोंग विद द इंटरव्यू। आफ्टर इंटरव्यू देन इट विल बी डिसाइडेड कि आपका सिलेक्शन है या नहीं है, बेस्ड ऑन द इंटरव्यू। एंड इंटरव्यू बहुत ही अलग नहीं है, उसमें जो जो बेसिक चीज़ें पूछी जाती है वो मैं आपको बता देती हूँ, राइट। अनदर थिंग इज कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जाते हैं, व्हाट आर द प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन IIIT हैदराबाद। सो यस, यहाँ पे B.Tech भी है, M.Tech भी है, Ph.D भी है, लाइक एवरी अदर IITs। तो IITs में भी B.Tech, M.Tech, Ph.D ऑफर करी जा रही है। MS के भी चांसेस हैं, M.Phil है, डुअल डिग्री है, पार्ट टाइम प्रोग्राम्स हैं, एंड MSIT प्रोग्राम है। तो येस, लाइक एनी अदर IIT इट ऑल्सो हैव एवरी डिग्री, एवरी प्रोग्राम हेल्ड इन दिस पर्टिकुलर कॉलेज, राइट। तीसरी चीज आती है कि UGEEE है क्या, है ना, और इसके थ्रू कौन कौन से IIIT हैदराबाद में कौन कौन से कोर्सेज हैं। हाँ, हमें ये तो पता चल गया B.Tech है, लेकिन B.Tech के अलावा B.Tech में भी हम लोग कौन से पर्टिकुलर ब्रांचेस में जा सकते हैं, कौन से पर्टिकुलर कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हैं, राइट। सो लाइक आई टोल्ड यू, सो UGEEE ऑफर्स एडमिशन टू द डुअल डिग्री ऑल्सो, B.Tech that is 4-year program and also 5-year dual degree courses, है ना, जिसमें B.Tech plus M.S की डिग्री आपको मिलेगी। and yes, it offers 5 courses कौन कौन से हैं? Electronic and Communication, Computer Science and Engineering, Computational Linguistics, Computational Natural Sciences and Computational and Human Sciences। तो इन सारे courses में you can enroll yourself by giving this particular exam। अब आता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, राइट, कि कौन कौन से बच्चे ये एग्जाम दे सकते हैं। तो जिनका भी क्लास 12 क्वालिफाई है, सो दोज हु आर क्वालिफाइड क्लास 12 एंड हैव 60% मार्क्स, मतलब 60% जो है वो 60% चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, मैथ्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में, या फिर ओवरऑल हम लोग बोल सकते हैं, मतलब मिनिमम आपके हर सब्जेक्ट में 60 मार्क्स होने चाहिए, राइट। सो दिस इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब एग्जाम पैटर्न में आपको बता देती हूँ। तो स्टूडेंट्स, तो जिन्होंने अभी तक जेई की तैयारी करी है ना, तो उनको, उनके लिए मैं आपको बताऊंगी ये एग्जाम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो एग्जाम है, पहले तो इसका पैटर्न हम लोग देख लेते हैं। तो ये एग्जाम दो पैटर्न में होगा, मतलब दो एग्जाम होंगे। पहला आएगा SUPER और दूसरा आएगा RAAP, सुपर एंड RAAP, ठीक है। जो सुपर एग्जाम है दैट इज सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, मीन्स उस पर्टिकुलर एग्जाम में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, राइट। तो ये 60 मिनट्स का एग्जाम होगा, 1 घंटे का, ठीक है। RAAP होगा रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिकली हम लोग बोलते हैं। इसमें जो लॉजिकल थिंकिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, आपने बहुत सारे लोगों ने करे होंगे उस टाइप के क्वेश्चन, वो एग्जाम होगा, वो 2 घंटे का होगा, राइट। तो टोटल जो एग्जाम का ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स है, लेकिन उस 3 आवर्स को डिवाइड कर रखा है 1 आवर प्लस 2 आवर, इस तरीके से उसका रिविजन हो रखा है, राइट। एंड आफ्टर क्वालिफाइंग दिस पर्टिकुलर एग्जाम यू हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू, है ना। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपकी कट ऑफ अच्छी आई है लेकिन यू आर नॉट गुड इन दैट इंटरव्यू, तो शायद सिलेक्शन ना हो, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन करनी है। लेकिन इंटरव्यू जो होगा दैट इज लाइक यू हैव टू जस्ट कॉन्फिडेंट एंड दे विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो बहुत अलग लेवल का नहीं होने वाला है, राइट। तीसरी चीज अगर हम लोग बात करें, जो सुपर जो एग्जाम है, एंड यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कि इनमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो मैं इधर आपको बता देती हूँ। तो SUPER सुपर में सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी में जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे इसमें, तो टोटल 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं स्टूडेंट्स, एंड वो 50 क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, मतलब 50 नंबर का होगा ये पेपर, ठीक है। एंड इसमें जो सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे, लाइक आई टोल्ड यू, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं जिनके लिए प्रिपरेशन होगी, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड जो इसका लेवल होगा, द लेवल ऑफ द एग्जाम इज बिलो जेई। तो अगर आपने जेई की बहुत अच्छी तैयारी करी है तो आप कहीं ना कहीं इस वाले पर्टिकुलर पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज लेवल जेई जितना नहीं है, उससे कम है। दूसरा पेपर जो मैं आपको बता रही थी, RAAP वाला पेपर, सो दिस इज बेसिकली फॉर 2 आवर एग्जाम, राइट। तो 2 घंटे का पेपर होगा और इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो लॉजिकल थिंकिंग के होंगे। लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस जैसे आपने बचपन में भी करे होंगे, 10th क्लास तक का जो मैथ्स होता है, एज वाले क्वेश्चंस, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन, ट्रेन वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, ठीक है, फिर फिगर्स वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। एंड यू कैन सी कि जो मेजर वेटेज है इस पर्टिकुलर एग्जाम का वो है RAAP। तो इफ़ यू आर गुड इन PCM, ठीक है, सो देन दैट इज फाइन, बट यू हैव टू बी गुड इन दिस लॉजिकल थिंकिंग पार्ट, क्योंकि अगर आपको IIIT हैदराबाद में और UGEEE में अगर अच्छी रैंक लेके आनी है, सो यू हैव टू बी गुड इन दैट, राइट। इज इट ओके? बिकॉज आप देख सकते हो ज़्यादा वेटेज इस तरीके का है ना। और इनका जो टाइम है स्टूडेंट्स वो भी फिक्स है। ऐसा आप अगर आप समझ रहे हैं कि मैं 1 घंटा का एग्जाम सुपर है, अगर मेरे को यहाँ 1.5 घंटे लग रहे हैं, मैं 1.5 घंटे यहाँ दे दूँ, नहीं। सो दिस एग्जाम्स टाइमिंग्स आर फिक्स्ड। सुपर वाला 1 आवर का होगा एंड RAAP वाला 2 आवर्स का होगा, राइट। तीसरी चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अभी तक इस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम का अभी तक हम लोग बात करें तो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम की का अभी तक कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। सो यू हैव टू प्रिपेयर बाय योरसेल्फ कि अगर हम लोग जैसे अभी हम जेई की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी द एग्जाम, राइट। हमें पता है किस टाइप का एग्जाम होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अभी इस UGEEE का कोई एग्जाम आउट नहीं हुआ है, राइट. सो नाउ यू कैन सी, एंड तो आपको जो प्रिपरेशन करनी है उसी हिसाब से करनी है, राइट. एंड ऑल्सो जो एप्लीकेशन फीस है दैट इज 2000 रुपीज. ओके, अनदर थिंग इज जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैंडेटरी है, दैट इज सीट्स कितनी है. तो इन पर्टिकुलर कोर्सेज में जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, कंप्यूटर साइंस में, लिंग्विस्टिक में, नेचुरल साइंस में जो सीट्स हैं देयर आर वेरी लिमिटेड सीट्स. एंड एज यू कैन सी हियर, सो सीट्स आर लाइक 30, 25, 15 एंड 15. तो बहुत ही ज़्यादा मारा मारी होने वाली है सीट्स पे, बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन है इधर भी UGEEE में. बट अगर मैं कंपेयर करूँ तो एज कम्पेयर टू JEE, सो यहाँ पे घुसना कंपेरेटिवली आसान है. IITs के हिसाब से यहाँ पे एंटर करना ज़्यादा इजी है. फर्स्ट इज लेवल ऑफ द पेपर एंड अनदर इज, आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपको अगर आप लॉजिकल थिंकिंग में भी अच्छे हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनका वो वाला पार्ट अच्छा है, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने कुछ स्टूडेंट्स को देखा है. सो दे गॉट JEE में अराउंड 40,000 रैंक, ठीक है, मेंस में. ये मैं मेंस की बात कर रही हूँ. तो मेंस में उनकी कुछ 40,000 रैंक आई थी. एडवांस उनका क्लियर नहीं हुआ था, बट उन्होंने इसमें अराउंड 12 के अराउंड AIR 12 उनकी रैंक आई थी. एंड ही गॉट एडमिशन इन दिस पर्टिकुलर IIIT हैदराबाद, राइट. तो अगर आपकी रैंक अच्छी नहीं है, अगर आपकी परसेंटाइल अच्छी नहीं है, तो भी येस, देर इज डेफिनेटली अ चांस टू गेट इन टू IIIT हैदराबाद, राइट. तो नंबर ऑफ सीट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है. अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके बेस्ट पॉइंट्स क्या हैं, वाई यू शुड टेक एडमिशन इन IIIT हैदराबाद. तो लाइक आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, तो प्लेसमेंट के मामले में येस, दिस इज अमेजिंग. तो यहाँ पे मैक्सिमम प्लेसमेंट्स हैं, है ना, एंड बेस्ट प्लेसमेंट्स होंगी विद बेस्ट पैकेजेस, राइट. और जो कैंपस है, क्योंकि देखो हमें 4 साल बिताने होते हैं किसी कॉलेज में, तो कैंपस येस रियली मैटर्स. और अगर हम लोग वैसे बोलें तो हाँ, मैटर करता भी है, नहीं भी है. Why it matters? Because we have to spend 4 years and we are away from our family. We need a good campus ताकि अच्छा हम लोग अपना friends के साथ time spend कर सकें, है ना. तो yes, it is having a very very beautiful campus which is exactly in the middle of the city of the Hyderabad. और हैदराबाद बहुत ही प्यारा शहर है, तो बिल्कुल शहर के अंदर है, बिल्कुल सिटी में है, आउटस्कर्ट्स में नहीं है. लाइक आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो IITs के जो कैंपस हैं वो आउटस्कर्ट्स में है. बता रहे हैं कि येस दिल्ली में है, दिल्ली से चलो बहुत दूर है, तो इस टाइप का यहाँ पे नहीं होगा. सो येस, दिस इज पर्टिकुलर इन द सिटी ऑफ द हैदराबाद. एंड अगर हम लोग एवरेज CTC की बात करें, एवरेज पैकेज की बात करें, तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है दैट इज 20 to 30 LPA एंड 100% प्लेसमेंट रेट है ना. तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट मिलता ही मिलता है. बाकी जनरली जो कॉलेजेस हैं उनमें दिखाते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स का ही पैकेज दिखाते हैं, यस, या कुछ स्टूडेंट्स को 1 करोड़ का मिला है, किसी को 1.5 करोड़ का मिला है ना. तो बाकी बहुत सारी ऐसी जनता है जो इतनी अच्छी नहीं होती है स्टडीज़ में, उतना अच्छा पैकेज नहीं ले पाते हैं ना. तो येस, इट्स कॉलेज की जो सबसे खास बात है जो मेरे को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है दैट इज़ 100% प्लेसमेंट रेट. एंड ऑल्सो दिस इज़ हाईली रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेज, रिसर्च ओरिएंटेड प्लेस. तो अगर आपको आगे फर्दर रिसर्च में भी इंटरेस्ट है, यू वांट टू डू द M.Tech, PhD और एनी अदर रिसर्च प्रोग्राम को या प्रोजेक्ट करना चाहते हो, तो येस, देयर इज डेफिनेटली अ वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. तो स्टूडेंट्स, ये था IIIT हैदराबाद के बारे में. तो जल्दी से लग जाओ इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने में, UGEEE की प्रिपरेशन करने में, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर आप JEE मेंस में उतना अच्छा नहीं कर पाए तो येस, देयर इज डेफिनेटली अ चांस कि आप एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, राइट. सो डू एनरोल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम एंड येस, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर टुडे ऑनवर्ड्स, बिकॉज यू नेवर नो कब कोविड खत्म होगा और कब एग्जाम आएगा. सो येस, डेफिनेटली टेक केयर.